नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। मोदीमान पर चोरों का थावा, लाखों के कीमती मोबाइल चोरी। सागर नागपुर चुनाव में जुटी कांग्रेस, निर्वाचन अधिकारी ने ली कार्यकर्ताओं की मीटिंग। शीर्ष कार्यकर्ता पर हिसारिया, ओपी मांझू और अनवर खान सम्मानित, युवा परिषद की पहल। बीजेपी ओबीसी प्रमुखों की मीटिंग, नई टीम गठित करने की कार्रवाई। अब समाचार विस्तार से। जंक्शन मेन बाजार स्थित मोबी मार्ट मोबाइल शॉप पर बीती रात चोरों ने निशाना बनाया और लाखों की चोरी कर फरार हो गए। चोरों ने बीती रात किसी समय चोरी की वारदात को अंजाम दिया और काफी संख्या में कीमती मोबाइल और गले में रखी नकदी चोरी कर ले गए। चोरों के हौसले बुलंद हैं। जंक्शन मेन बाजार में चोरों ने बीती रात लाखों की चोरी को अंजाम दिया। जंक्शन बाजार स्थित मोबी मार्ट के दुकान पर चोरों ने धावा बोला और काफी संख्या में मोबाइल चोरी कर ले गए। संचालकों ने बताया कि चोरों ने सैमसंग, ओप्पो, वीवो के मोबाइल चोरी किए। इसके साथ ही गली में पड़ी 2,30,000 की नकदी लेकर फरार हो गए। संचालक कुलदीप ने बताया कि दुकान में करीबन 25 लाख का स्टॉक था जिसकी चोरी हुई है। मेन बाजार में चोरी की घटना की खबर मिलते ही डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ व जंक्शन थाना प्रभारी पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी। मोबी मार्ट में यहाँ पे चोरी हुई है, सैमसंग, ओप्पो और वीवो के हमारे मोबाइल यहाँ से चोरी हुए हैं और हमारे पास कम से कम 80-85 के लगभग सेट थे और उनकी कीमत जो कॉस्ट आ रही है वो 15-20 हज़ार एवरेज आती है। कम से कम मान लो 25 लाख का स्टॉक था हमारा और सेकंड हैंड मोबाइल भी हमारे यहाँ से चोरी हुए हैं और हमारी रोकड़ जो यहाँ पे पड़ी थी 2,30,000 रुपये वो भी यहाँ से चोरी हो गई। गला तोड़ा हुआ मिला। संडे को हम अपनी शॉप को क्लोज रखते हैं लास्ट संडे को और इस पास में हमारी दुकान हरियाणा बीज भंडार है, हम वहाँ पे बैठे थे और जैसे हमारा लड़का इधर कोई काम से आया था तो वो देखा तो सेटर थोड़ा बाहर खिंचा हुआ था तो उसने जाके बताया कि भैया अपना सेटर थोड़ा मान लो मेरे को डैमेज लग रहा है, बाहर खिंचा हुआ है। फिर हमने आके शॉप खोली तो अंदर देखा तो सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा था और एक भी सेट नहीं था दुकान में। डिब्बे फाड़ के मोबाइल निकाला हुआ है, चार्जर और ईयरफोन वो डिब्बे के अंदर ही पड़ा है, सिर्फ सेट की चोरी हुई है। इमती सेट ही लेके गए, छोटे सेट पड़े हैं दुकान में, जो सेट की एवरेज 20-25 हज़ार रुपये कॉस्ट आती है वो सेट सारे गायब। सर लगभग 25 लाख के लगभग स्टॉक है हमारा, 2,30,000 रुपए कैश भी था गले में। अगले साल विधानसभा चुनाव में सत्ता में वापसी के लिए छटपटा रही कांग्रेस इन दिनों संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने में जुटी है। इसके तहत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी देहात और शहर की संयुक्त बैठक हुई। इसमें संगठन के जिला निर्वाचन अधिकारी महेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री चौधरी विनोद कुमार और जिलाध्यक्ष कांग्रेस ने हमेशा गरीबों की बात खत्म नहीं की है, गरीबों के लिए कल्याण भी किया है, काम भी किया है, पिछड़ों को आगे लाने की कोशिश की। कांग्रेस ने ही अकेलियत को संरक्षण दिया है, कांग्रेस ने ही कमजोर वर्ग के लोगों को मजबूत करने की कोशिश की है। हम उस पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिसका एक इतिहास रहा आजादी के आंदोलन से लेकर। तो मित्रों ये तो एक पक्ष है, हमें सोनिया जी और राहुल जी ने भेजा हनुमानगढ़, हमें निर्देश दिए, उनके आदेश है, उनके सख्त आदेश है कि हम आपके साथ अनुशासन की भी बात करें, हम आपके साथ सद्भाव की भी बात करें, हम आपके साथ मनभेद दूर करने की, मतभेद दूर करने की भी बात करें और हम आपको के साथ बैठकर आपके साथ साझा करें कि किस तरह से 2018 में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उठाने। निश्चित रूप से आप लोग बहुत ताकतवर शक्तिशाली हैं, हनुमानगढ़ तो वैसे भी बड़ा समृद्धशाली जिला है। वो ही चुनाव लड़े जो पार्टी के प्रति निष्ठावान हो, अनुशासित कार्यकर्ता हो और पार्टी में जो वफादार करता हो उस कार्यकर्ता को आगे चुनाव लड़ाया जाएगा और सभी कार्यकर्ताओं ने पार्टी के प्रति अपनी वफादारी का संकल्प लिया और कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को मजबूती के साथ आने वाले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे और यहाँ से हनुमानगढ़ जिले से 500 विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी जीतेगी। उन्होंने विश्वास दिलाया और उन्होंने वर्तमान भाजपा सरकार की नाकामियों के बारे में भी विस्तार से, GST के बारे में, नोटबंदी के बारे में कार्यकर्ताओं को विस्तार से समझाया और उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं को कहा कि आप गाँव डानी डानी और जहाँ भी आप चौपाल लगे वहाँ जा करके कांग्रेस के इतिहास और कांग्रेस की विचारधाराओं को प्रकट करें और भाजपा की नाकामियों को उजागर करें। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से 3 शख्सियतों को सम्मानित किया गया। गौ सेवक इंद्र हिसारिया, कुदरती खेती के पुरोधा ओपी मांझू और अपराधियों को पकड़ने में महारत हासिल
टाउन से आई मोहम्मद अनवर खान को करीमा में समारोह में सम्मानित किया गया। राष्ट्रीय युवक परिषद की ओर से अबोहर बाईपास स्थित गौशाला गोविंद धाम में सम्मान समारोह हुआ। इसमें एडीएम प्रकाश चौधरी, डीएसपी वीरेंद्र जाखड़ सहित अन्य अधिकारी और समाज सेवी मौजूद थे। समारोह में कुदरती खेती के पुरोधा ओपी मांझू, गो सेवक इंद्र हिसारिया और टाउन थाना प्रभारी मोहम्मद अनवर खान को सम्मानित किया गया। युवक परिषद के जिलाध्यक्ष प्रवीण जैन ने तीनों का परिचय दिया और कहा कि संगठन की ओर से बेहतर कार्य करने वालों को सम्मानित किया जाता है ताकि बाकी को भी प्रेरणा मिल सके। चाहे वो राष्ट्रीय कार्यक्रम हो चाहे सामाजिक सरोकार हो, हमेशा आप लोग आगे आते रहे हैं और मुझे कहते कोई हिचक नहीं है कि जब भी किसी राष्ट्रीय कार्यक्रम में जरूरत पड़ती है एनजीओ की या किसी भी इस तरह की परिषद की, तो चाहे प्रशासन है वो चाहे पुलिस हो, हम लोग भी आपकी तरफ नज़र उठा के बहुत ही आशा से देखते हैं। तो ये और इस तरह के कार्यक्रम मैं समझता हूँ एक तरफ आपकी हौसला अफजाई के लिए भी ज़रूरी है तो दूसरी तरफ आपके जो काम है उनको रिकॉग्निशन भी मिलनी चाहिए। आप सबसे मिलने का मुझे मौका मिला, आप सबको धन्यवाद। 24 घंटे तीनों मुलजिम को मैं हथियार गिरफ्तार किया जिसके लिए परिषद के समय हमेशा धन्यवाद देती है। अभी आज का ही रूबी लीजिए, आज के लीजिए, आज अभी 4 लोगों को बड़ी संख्या में नशीली दवाओं के साथ पकड़ा गया है आज अभी फिलहाल थोड़ी देर पहले। तो इनके लिए हम परिषद वाले साथ जोरदार ताली बजा जाए इनके लिए, मोहम्मद अनवर खान साहब के लिए। लेकिन इन्होंने कहा जो धरातल पे कीटनाशक और रसायन मुक्त उत्पाद पैदा करवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, एक साल हुआ है, कोई बहुत ज्यादा बड़ा संगठन नहीं है, केवल 155 किसान भाई जुड़े हुए हैं, उनमें से भी केवल 20-30 इस पद्धति से खेती कर रहे हैं। बहुत ज्यादा जब ये अभियान शुरू किया गया था हमारे सामने दो समस्या थी, मैं इन सब लोगों के घर तक घूमा था। एक तो ये कि कोई किसान अगर रसायन मुक्त खेती करना चाहता है तो उसको पूरी जानकारी नहीं है, हालांकि सरकार का प्रोग्राम है, चल रहा है, काफी वर्षों से चल रहा है। दूसरा ये कि अगर किसी ने कर लिया तो उसको खरीदने वाला उसको नहीं मिल पाता है। अब सीधा एक किसान कोई उत्पाद लेके आप तक आए कि भाई साहब मैंने ये गेहूं पैदा किया है और इसमें कोई भी पेस्टिसाइड या यूरिया का उपयोग नहीं किया, कृपया आप ले लीजिए, तो शायद आप विश्वास नहीं करते, उनका बिक नहीं पाता था। केवल ये दो समस्याएं थी, इन दो समस्याओं को चिन्हित करके हमने एक संगठन बना के उसको आगे बढ़ाया, सारे किसान भाई उसमें सदस्य हैं। होता क्या है, सिंपल सी बात है कि आज आप बाजार से जो सामान लेने जा रहे हो उपभोक्ता के रूप में आप जो सामान ले रहे हो उसकी कीमत का 20% से लेके मैं ज्यादा से ज्यादा कहूँ तो 40 या 50% किसान को मिलता है, ठीक बात है। आप अगर आलू बाजार में 10 रुपए या 8 रुपए लेके आ रहे होंगे तो किसान से क्या लेगा, 2 रुपए या 3 रुपए में वो माल बोली पे बिकेगा, तभी तो आप तक पहुंचेगा। हमने इसी चीज को नियंत्रण करते हुए उन उत्पादों को लगभग उन रेटों के आसपास लाने का प्रयास किया है ताकि उपभोक्ता इनके प्रति प्रेरित हो और उनके स्वास्थ्य का रख रखाव हो सके। बताना चाहूंगा मांझू राजस्थान सरकार से आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग से डायरेक्टरी पद पर कार्य थे, तो दिनांक 31/10/2015 को सम्मानित हुए, 26/6/2016 को आम जन को पेशे का राहित खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के लिए अपना अनुकरणीय योगदान दिया, श्री ओम प्रकाश मांझू पेशी सहित राहित खाद्य पदार्थों को उपलब्ध कराने के लिए संकल्प धर्मकांडा के पास एक बड़ा शोरूम खोल रखा है जिसमें सब्जियां, तेल, गेहूं, चावल इत्यादि उपलब्ध है। कि जो पैसे की सहायता है, कई बार ऐसे बच्चे होते हैं, गरीब परिवार के होते हैं, उनके अंदर हुनर होता है, होनहार होते हैं, लेकिन पैसे के अभाव में वो मंजिल तक नहीं पहुंच जाते। तो अपने पास अगर इस तरह की कोई बात आती है तो अपने तय दिल से जो है उसमें मदद करें, और एक बच्चे को अगर आपने पढ़ाई लिखाई में अव्वल बना दिया तो उसके आने वाली सारी पीढ़ियां जो है आपका गुण गाएंगी। भाजपा ओबीसी प्रकोष्ठ की बैठक टावर स्थित कंदोई धर्मशाला में हुई, इसमें नंदलाल वर्मा सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। जिलाध्यक्ष महंगा सिंह ढिल्लों के मुताबिक संगठन को मजबूत करने के लिए नई टीम का गठन प्रस्तावित है, इसमें जुझारू कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। हमारे देश को आजाद हुए मगर हमारी शिक्षा का स्तर वही जो का क्यों बना हुआ है। आज हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारे राजस्थान प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने पिछले वर्ष
हमारे जो पंचायत स्तर के जो पंचायत स्तर का अपना स्कूल था, गांव के बच्चे हैं जो शहर में नहीं आ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे, उनको वहाँ पढ़ने का अवसर मिला। और इस बार भी लगभग 5,000 स्कूल है जिनको 10वीं से 12वीं में क्रमोन्नत किया गया है। ये बहुत बड़ी बात है साथियों। कहने को हम कह देते हैं कि स्कूल 12वीं तक हो गया, क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन जब 12वीं का स्कूल हुआ है तो हमारे गांव के जो लोग हैं शहर से 20 किलोमीटर दूर है, 30 किलोमीटर दूर है, वो पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, उनके माँ बाप मजदूरी करते हैं, वो अपने बच्चों को बाहर भेजने में सक्षम होती है। मगर अब स्कूल में गाँव में ही शिक्षा मिलेगी, पंचायत स्तर पर शिक्षा मिलेगी, निश्चित रूप से हमारे जो दबे समाज के लोग हैं वो पढ़ेंगे, उनका विकास होगा, और पढ़ेंगे तो नौकरियों मिलेगी, नौकरियां मिलेगी तो निश्चित रूप से समाज में आर्थिक रूप से और हमारा उत्थान होगा। तो इसलिए सब आप पहले जानकारी लो, उसके बाद में जो हमारे लोग हैं पिछड़े लोग उनको घर घर जाके उनको उन योजनाओं का लाभ दिलाओ। अगर उन लोगों को लाभ मिलेगा, उन लोगों के हित की बात हम करेंगे। जो मोर्चा है ओबीसी मोर्चा है, इसकी मीटिंग लगातार हुए, उसके लिए अपने पूर्व मंडल अध्यक्ष से संपर्क तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कल को अपने मीटिंग रखेंगे वहाँ पे, अपने जिला की मीटिंग अगर वो किसी रखते हैं वहाँ पे तो कौन उसको सुनाएगा। जब तक अपने उसको मंडल अध्यक्ष को अपने संपर्क में नहीं लेंगे तो वो कहेंगे तो एमएलए का सोचा होगा। इसलिए अपने ये सरकार अलग है, अपना संगठन अलग है, संगठन को चलाने के लिए अपने संगठन से बात करनी पड़ेगी। हमारा तो ये सुझाव है, बाकी चुनाव में काम आएगा। हाँ, जो आज गाँव में काम आएगा वो पार्टी के वो आदमी जी जान से उसके साथ लगा हुआ है मौके पर। पांचों अपने सीट को बीजेपी की है, उनसे अपने नाम दिए सर, जिनका भी नाम किया है एक्सपेर मेरे लिए, तो मेरे इसलिए दिए क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहा हूँ। मिलजुल के बैठ के नई कार्यकारिणी की स्थापना करने के लिए मीटिंग की है और उसको जल्दी जारी करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकोष्ठ का ये जैसे भारतीय जनता पार्टी में दूसरे मोर्चे हैं, SCT और अपना किसान मोर्चा है, और जैसे मूल भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष है, वैसे ही काम है। इसमें 36 कौम आते हैं, 36 कौमों के सभी के जो पिछड़े वर्ग हैं उनका मोर्चा है, और उनके साथ मिलके काम करना, उनकी कोई भी द्विधा होती है, कोई भी उनकी समस्याएं होती हैं उसको हल करने का प्रयत्न करेंगे, उनको साथ लेकर चलेंगे, मिलजुल के काम करने का प्रयत्न करेंगे। समस्या नहीं, अभी हमारा काम थोड़ा वर्किंग में चल रहा है, अभी नई कार्यकारिणी बनानी है, नए पदाधिकारी बनाने हैं, उसके बाद ये गति में आएगा सारा मोर्चा और उसके बाद ही आगे चलेंगे। Baby Happy Modern PG College, a brand for quality education. Students के करियर को ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार के कोर्सेज करवाए जाते हैं, जैसे BSc, BCom, BCA, BA, MSc Chemistry, Physics, Botany, Zoology, Mathematics, Computer Science, MCom, ABST, MA Geography, Sociology, Punjabi। महाविद्यालय स्टाफ की कड़ी मेहनत से गत 6 वर्षों के परीक्षा परिणाम में 145 विद्यार्थियों ने महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय की वरीयता सूची में स्थान प्राप्त कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। महाविद्यालय कॉर्पोरेट वर्ल्ड को ध्यान में रखते हुए समय समय पर विद्यार्थियों के लिए करियर गाइडेंस सेमिनार आयोजित करवाता है। महाविद्यालय में सभी प्रायोगिक विषयों की सुसज्जित लेबोरेटरीज, प्लेग्राउंड तथा ट्रांसपोर्ट आदि की सुविधाएं उपलब्ध है। टाउन के वार्ड 32 के पार्षद रमेश पेंटर के साथ बीती रात वार्ड के ही शरारती किस्म के लोगों ने मारपीट की, जिससे पार्षद बुरी तरह से जख्मी हो गए। बताया गया कि पार्षद ने वार्ड में असामाजिक किस्म के लोगों के खिलाफ आवाज उठाई, जिसके चलते उन लोगों ने घर में घुसकर मारपीट की। टाउन के वार्ड 32 के पार्षद रमेश पेंटर के साथ मारपीट के बाद पार्षदों में भारी रोष है। पार्षदों द्वारा नामजद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। राजकीय जिला अस्पताल में इलाजरत पार्षद रमेश पेंटर ने बताया कि वार्ड के ही रुघा खान व उसके साथियों ने उसके घर में घुसकर मारपीट की, जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया। इतना ही नहीं, बचाव के लिए आई पार्षद की पत्नी व पार्षद के पिता भी चोटिल हो गए। वहीं पार्षदों द्वारा आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की जा रही है। लगभग 8 बजे की बात है, मैं अपने घर पे था, जी अचानक आके इन्होंने मेरे पे हमला कर दिया जी, हथियारों से लैस थे। मेरे आने के आते मेरे सर में इन्होंने कुछ मारा, गालियाँ ये छाती से गालियाँ वगैरह निकालने लगे,
इतने में आते ही मेरे यानी कि यहाँ सब में मारे जो लोग, मेरे को पता नहीं चला कि इन्होंने क्या मारा नहीं मारा। मैं तो चक्कर खा गिर गया, मेरी घरवाली बचाने के लिए आई तो जी उससे भी उन्होंने मारपीट की, मेरे पिताजी आए उससे भी उन्होंने मारपीट की। तो इसी वजह से क्या कभी आस पड़ास के जो लोग थे उनको पता चला, वो आए तो वो वहाँ से भाग निकले जाते हुए, यानी कि ईंटे बरसाते हुए निकल गए। तो मोहल्ले के अंदर भी क्या आए दिन ऐसी घटनाओं को ये अंजाम देते रहते हैं। इसके दो तो ये रुका खान है, इसके दो तो लड़के हैं, एक नंबर की आवारा किस्म की है जी, उसी के साथ है पाँच दस अन्य लड़कों को के गली मोहल्ले के अंदर ही। रमेश पेंटर ने वहाँ ओरी गुंडागर्दी और बदमाशी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी। अचानक बदमाशों ने उसके घर पे हमला कर दिया, उसके सर में भी चोट लगी, उसके पिताजी और उसकी धर्मपत्नी की भी चोट लगी। मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए, पुलिस में सूचना दी, पुलिस ने तत्काल एक जो आरोपी मुख्य आरोपी था उसको गिरफ्तार कर लिया और उसका इलाज भी चल रहा है। और लोगों ने उसके इस कदम की सराहना की है कि मोहल्ले मोहरी बदमाशी के खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। सभी पार्षदगण और उसके वार्ड के लोग रमेश जी के साथ हैं और उसमें सभी पार्षद उसका सहयोग कर रहे हैं, उसके खिलाफ ज़बरदस्त कार्रवाई कराएंगे और वहाँ मोहरी गुंडागर्दी को ख़त्म करवाएंगे। सभी पार्षद इकट्ठे होकर इस तरह की बदमाशी के खिलाफ आवाज़ भी उठाएंगे और शहर में शांति का प्रयास कर रहे हैं कि पूर्णतः शांति रहे और बदमाशों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन ना मिले। अभी पार्षद गणों का एक नेतृत्व के अंदर एक मंडल जो है सीआई अनमांगे टाउन से मिला है। हमारे जो पार्षद रमेश पेंटर के ऊपर एक असामाजिक तत्व और बदमाश प्रवृत्ति के व्यक्ति ने जो हमला किया है उसके लिए सभी पार्षदगण टाउन सीआई से मिले हैं और ये कहा है कि भी इसमें सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, जिस प्रकार की ये पुनरावृत्ति दोबारा ना हो। एक सामाजिक आदमी के ऊपर जो समाज के लिए दिन रात काम करता है, अगर उसके साथ ही ऐसी घटना होगी तो आम नागरिक से सुरक्षा की हम क्या उम्मीद करेंगे। इस भावना को लेकर हमने सीआई साहब को अवगत करवाया है। टाउन स्थित वार्ड 16 में बिजली कटौती से परेशान नागरिकों ने विद्युत विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका। नागरिकों में इस बात को लेकर रोष है कि एक तो गर्मी के मौसम में बिजली कटौती की जाती है, दूसरा बिजली की झूलती तारे हादसों को निमंत्रण देने के लिए काफी है। पार्षद पति पवन मौर्य का कहना था कि बार बार कहने के बावजूद विद्युत विभाग की लापरवाही बरकरार है। बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, बिजली विभाग मुर्दाबाद, बिजली विभाग मुर्दाबाद। ना बिल तो लेवा शहर को और बिजली देवे गांव हो, चार चार घंटा तक लाइट आवे को नहीं, बड़ी समस्या हो रही है। हर घर के मायने लोग है देखो परेशान हो रहे हैं, तार यानी कि बिजली का देखो टाबर कारण है कोई खत्म हो गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। आपको काफ़ी बार चेतावनी दे चुके हैं और लेटरबाजी भी काफ़ी बार उनको लिख के भी दे चुके हैं। ये पोल लगाने वाले हैं, क्या है कि ये जो पोल है वो तारे नीचे है, लोगों के गेट है वो तारों के पास बैठ रहे हैं, कभी भी दुर्घटना हो सकती है, कभी किसी प्रकार का जानलेवा का नुकसान हो सकता है। लेकिन बिजली विभाग है काफ़ी बार चेतावनी देने पर भी ये नहीं समझ रहा है और आज के इसका बिजली विभाग का पुतला प्रदर्शन किया गया, पुतला फूंका गया है। आगे खम्भा लगा दियो, अरबिंग तार उगाड़े, कपड़ा सुखावा तो ऊपर लाग दिया, या तो भी खम्भा आगे करो, विपरना सेड में करो, एन गेट का सारा लगा दियो कूंट के ऊपर ही, दुकान ना मेरे चिपस जावा कपड़ा सुखावा तो आ समस्या हमारे। राष्ट्रीय सफाई मजदूर कांग्रेस इंटर के प्रदेश अध्यक्ष आशादास सरसर के हनुमानगढ़ पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इस अवसर पर सफाई मजदूरों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की गई। इस मौके पर सुरेश चावरिया को जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अध्यक्ष जी, हम लोग यहां पर सफाई मजदूर कांग्रेस के बैनर के नीचे, मैंने इन सबको पहले कह दिया कि आप जो आदेश दोगे हम उसके मुताबिक सारी कार्रवाई करेंगे, आपके आदेश के अनुसार चलेंगे, आपके नेतृत्व में चलेंगे। और उसी के लिए अभी 14 दिन धरना दिया गया, लेकिन ये एक बदकिस्मती है, समाज की समझ लीजिए विडंबना है। कोई भी सरकार हो, सरकार चाहे बीजेपी की हो या और किसी भी पार्टी की हो,
लेकिन सरकार का एक करैक्टर बन गया, एक चरित्र बन गया कि जब तक संघर्ष न करो, जब तक तोड़ फोड़ न करो, जब तक कोई भूख हड़ताल न बैठो, अनशन पर न बैठो, तब तक कोई काम नहीं होता। ये एक सरकारों की एक चरित्र बन गया। नगर पालिका के अंदर नगर पालिका की जरूरत के मुताबिक 168 और 133 लोगों की मंजूरी की गई और टाल टोल कर रही है। इसके लिए हमारे पास कि रोजी रोटी के साथ साथ यदि हमारे समाज को उत्थान के लिए अगर थोड़ा बहुत प्रयास साथ साथ करते रहें और इस समाज में शिक्षा के फैलाव का ज्यादा से ज्यादा प्रकाश करें तो आज जो स्थिति हमारे समाज में रोजी रोटी मांगने की बनी बनी हुई है वो नहीं रहेगी। क्योंकि प्रत्येक बच्चा, प्रत्येक माता बहने की बच्चियां आज के समय में शिक्षित बनना चाहती है, लेकिन हमारे समाज में थोड़ा सा इतना ही है कि हमारी लड़कियां, हमारी बच्चियां यह आज के समय में आगे बढ़ रही हैं, लेकिन बच्चों की तरफ देखा जाए तो वो दिन प्रतिदिन डाउन होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्ची पढ़ी लिखी एम एम बी ए बी एड तक एम ए बी एस की हुई लड़की है घर बैठी है। शबासी कह दें तो उसके हौसले बुलंद हो जाते हैं, उसके थकावट नहीं होती। तो इसी प्रकार हमें हौसला आप सभी ने देना है। जैसे वक्ता अपनी बात को बोले अपने तालियों की गूंज। सफाई कर्मचारियों के जो समस्या मूलभूत सुविधाओं की बात के लिए ये मुद्दा उठाती है, उसके लिए संघर्ष करती है और राजस्थान में जहाँ जहाँ भर्ती नहीं हुई है, जहाँ जहाँ उनको स्थायी नहीं किया गया, उसके लिए संघर्ष कर रही है और उसी कड़ी में ये आज हनुमानगढ़ भी शामिल। सफाई कर्मचारियों की 137 की भर्ती की मांग को लेकर हुए यहाँ पे पहुँचे हैं और मेरे को जिला अध्यक्ष की पदवी दिलवाई है हनुमानगढ़ में, जो जिले के अंदर में काम करूँगा आज, जिन्होंने मेरे को सभी काम समझाए और बताए गए हैं। जंक्शन जी संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी इंटर स्कूल स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने उत्साह से भाग लिया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित किया गया। संस्कार इंटरनेशनल स्कूल में दूसरी इंटर स्कूल स्पीड स्केटिंग प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों के करीबन 100 खिलाड़ियों ने भाग लिया और स्केटिंग में अपने हुनर का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर विजेता प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया गया। जिले के अंदर हम ये दूसरी बार इंटर स्कूल कंपटीशन स्केटिंग स्पीड स्केटिंग कंपटीशन करवा रहे हैं, जिसमें रावत सर, सरदार शहर, पक्का सारना, संगरिया, इनसे लगभग 100 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया। मैं सभी खिलाड़ियों और चैंपियनशिप है, ये गेम बहुत अच्छा गेम है, इसके अंदर सेफ गेम में है, कॉमनवेल्थ गेम में भी है और विंटर गेम्स के अंदर है ये, और काफ़ी आगे इसमें अपार संभावना है। राजस्थान सरकार ने भी इसे अप्रूवल दे रखी है और साथ में भारतीय खेल मंत्रालय ने भी इसे अप्रूव करता है। आर्य समाज की ओर से रविवार को यादव धर्मशाला में कार्यक्रम हुआ। इसमें बहन पुष्पा शास्त्री ने भजनों की सरिता बहाई। इसमें काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीड़ पड़ा सब भग जासी थारी काया रो गुलाबी।
समाचार समाप्त हुए। उजाला देखते रहिए समाचार। नमस्कार।